मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के नारायण नगर में फोड़े जा रहे पटाखों से जो कागज निकले हैं उसमें कलाम पाक की आयतें लिखी हुई थी, जिसके बाद इसके संबंध में जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती अब्दुल बासित साहब और मोहम्मद मतीन ने मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। आपको बता दें कि मुमरा के नारायण नगर में कल रात के समय शादी हो रही थी और इसी दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने फूटे हुए पटाखों के जो कागज है उनमें आयत लिखी हुई देखा और जिसके बाद इलाके में काफ़ी भीड़ जमा होने लगी। तभी जमीयत उलमा हिंद के एक मेंबर साबिर शेख ने इसकी जानकारी मोहम्मद मतीन और मुफ्ती वासी साहब को दे दी। ये लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि पटाखा मुंबई की एक दुकान से लाया गया था और मुमरा पुलिस स्टेशन में 295A के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती बासित साहब और मोहम्मद मतीन ने और साबिर शेख ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है। मुफ्ती साहब, आज आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। कुछ पटाखों में उर्दू शब्द में कुछ लिखा हुआ है, दरअसल ये क्या लिखा हुआ था और क्या FIR दर्ज कराई है आपने? ये तकरीबन 9:30 बजे मतीन भाई का मेरे को फ़ोन आया कि नारायण नगर में पीछे सिद्दीकिया मस्जिद के पास में शादी के पटाखे फूटे, उसमें कुछ कुरान की आयतें हैं। तो मैंने कहा कि अभी इसको शो मत करो, पहले अपन जाके इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं कि कुरान की आयतें के खाली अरबी या उर्दू के शब्द है। तो आने के बाद हम लोगों ने देखा तो कुरान की आयत भी है, सूरह बकरा की है, सूरह नबा की है और सूरह अहज़ाब की है। ऐसे 4-5 सूरतों की आयतों के टुकड़े हैं, हदीस के टुकड़े हैं उसके अंदर, दुआओं के मसनून दुआओं के टुकड़े उसके अंदर मिले। हम लोगों ने थोड़ा ही उसमें से सर्च किया तो उसमें इतने सारे मिले, हालांकि अभी थैली भर के उसको हम लोगों ने सेव कर दिया है। तो उसके बेस पर हम लोग ने क्या कहते हैं यहाँ आकर के कंप्लेंट दी। डिटेल में पहले 100 नंबर पे कॉल किए, वहाँ से फिर लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल किए, कोई नहीं आए। तो भीड़ बहुत थी काफ़ी, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर हमने बात रखी, शिवालय साहब से बातचीत किए, कंप्लेंट किए, तो मतीन भाई के नाम से FIR यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और पटाखे जो यहाँ पर थे फोड़े गए थे, वो पटाखे दरअसल कहाँ के बने हुए थे, ऐसा कुछ डिटेल वगैरह उसमें है, कौन सी कंपनी है और कहाँ पर बनाए गए थे? अब मतीन भाई, आपने कंप्लेन दर्ज कराया है, क्या कहाँ के पटाखे बने हुए हैं? ये तमिलनाडु के अंदर कंपनी है उसके श्री मारुतु करके कंपनी है, उसका एक ब्रांड है और तमिलनाडु की कंपनी है। वहीं पर ज़्यादातर जो जितने भी पटाखे बनते हैं वहीं से बन करके आते हैं। असल में इसमें मैसेज ये है कि जितने भी फायर क्रैकर्स जो बनाने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें, ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं। हम लोग यहीं पर इतने सालों से पहले भी हमने देखा है, मुमरा शहर के अंदर में इस तरह का एक मामला हुआ था, लेकिन आगे इस तरह का कोई मामला ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो है आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर के इनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की है, 295A के तहत जो है कार्रवाई हुई है। और इसके अंदर इशू ये है कि जो फायर क्रैकर्स बेचते हैं उनको भी कंपनी के साथ में कोई ऐसा करार करना चाहिए, कोई ऐसी बात पेपर वर्क करना चाहिए कि इस तरह का कोई भी किसी की भी धर्म के खिलाफ जो भावनाएं आहत होती है, जिसके अंदर सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इस तरह का कोई भी फायर क्रैकर के अंदर मटेरियल यूज़ ना किया जाए जिससे किसी की जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हो, किसी धर्म के खिलाफ हो कोई चीज़, और इसका खूब मतलब पालन किया जाए, यही बस मैसेज है। और आगे आने वाले वक्त में इसके अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मार्केट में आएंगी नहीं चीज़, तो फिर इस तरह की कोई चीज़ जो है किसी की सेंटिमेंट हर्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब जैसे कुछ जानकारी मिली है कि इसकी बिक्री मुंबई में कहां पर हो रही है, कहां से? मुंबई के अंदर ईसा भाई फायर क्रैकर्स करके जो बड़ी दुकान है मोहम्मद अली रोड पर कालबा देवी में, वहाँ का एड्रेस मिला है, वहाँ से ये इन्होंने खरीदी की थी। जो जिसने पटाखे फोड़े है उनके घर में शादी थी तो उन्होंने पटाखे लाकर वहाँ से ला करके यहाँ पर फोड़े हैं। इस सिलसिले में क्या कहते हैं पब्लिक को एक मैसेज ये देना है कि मुमरा पुलिस स्टेशन ने कॉपरेट करके फ़ौरन FIR ले लिया है, इसलिए इस मैटर के ऊपर मुमरा में किसी भी तरह की कोई एहतजाज या कोई भी मसला ना खड़ा करें, इसे कायम रखें, अमन रखें और पुलिस पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करेगी और इसकी कार्रवाई जैसी भी रहेगी 15-20 दिन के अंदर अपडेट हम भी लेते रहेंगे और मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुँचेगी। इसलिए आवाम से दरख्वास्त है कि वो अमन कायम रखें, हमारा शहर है, हमें इसको क्या कहते हैं अमन अमान इसको कायम रखना है और लोगों तक क्या कहते हैं अमन का पैगाम पहुंचाना है।
और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। शहर में अगर हम कुछ करेंगे तो अपने ही खिलाफ वो कार्रवाई होगी, इसलिए इस सिलसिले में किसी भी किस्म का कोई भी क्या कहते हैं एहतजाज या कोई दूसरा मसला नहीं होना चाहिए। और पुलिस स्टेशन से कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से कॉपरेट हुआ है कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? साबिर शेख। आपके एरिया में जो पटाखे में आयत लिखी मिली है, आपके एरिया में मिली है, कौन सा एरिया? ये हमारा सिद्दीकिया मस्जिद करके शांति नगर है, पुलिस चौकी के पीछे। यहाँ पे ईशा के टाइम पे किसी ने शादी के वक्त फटाखा फोड़ा, कोई बारात जा रही थी और ईशा बाद हमने देखे कि वो फटाखे के जो पुर्जे थे उसके अंदर ये आयत कुरान की लिखी हुई हमको मिली। उसके बाद आपने अपने जो बड़े उलमा हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी देकर बुलाया? हाँ, तो हमारे ये अलमास भाई है, इन्होंने देखे कि भाई ये इसके अंदर सब कुरान की आयत वगैरह है, तो इन्होंने झाड़ू मार के हम लोग ने सब उसमें से आयत निकाले, देखे तो ये बाकायदा पूरा कुरान की लिखी आयत थी। फिर कन्फर्म करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के, हमारे जो बड़े थे जमीयत के जो जिम्मेदारान थे, हमने उनको बुलाया, दिखाया, फिर उन्होंने देखे कि बोले हाँ भाई ये आयत है, ये आयत है, ये वाकई में कोई सादी किताब की वर्ड नहीं है, ये कुरान की ही आयत है। और ये कन्फर्म होने के बाद में हमने इसको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।